राम राम यूट्यूब फैमिली, राम राम। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम मायके से और दोपहर के 12 बजे से कर रहे हैं। और अभी हम ना हमारा ना वीडियो अपलोड करने का टाइम हो गया है, तो हमने सोचा ना कि पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं और जाके ब्रेकफास्ट करने के बाद सो गए थे। फिर से ब्रेकफास्ट भी हमने 10 बजे किया। और गाइस, तो हम पहुंच गए वीडियो अपलोड करने के डेस्टिनेशन पर और अभी हम ना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ ये लकड़ियाँ जो है ना इस पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ ना बहुत स्पीड से वीडियो अपलोड हो जाती है। 10 मिनट में हो जाएगी बहन जी, है ना? 10 मिनट भी लगते हैं। हाँ, तो जल्दी से ना पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, तो वीडियो अपलोड हो गई ना, और ना हम ना आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं बहन जी। इतनी अच्छी हवा चली है और यहाँ पर माता जी वाले जो है ना उनके घर के पीछे का व्यू है। माता नहीं है लेकिन ऊपर दिखाती हूँ। सारे काले हो गए वहाँ पे। हाँ गाइस, जो ये जगह दिख रही है ना, ये गोड़ दिख रहा है वहाँ पर। ये गोड़ जो है, यहाँ से हम घास लाते हैं। यहाँ है हमारे घास के खेत। और यहाँ पूरी आग लगी थी ना, और जो हमारे पुराने गोड़ थे ना, पुराने हमारे बाबा वालों के टाइम के, तो वो भी जल गए। उन्हें पहले एक पहाड़ जो है वो उतरना पड़ता है, फिर एक पहाड़। हाँ, यहाँ से एक पहाड़ उतरेंगे, फिर उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, वहाँ से घास लाते हैं हम इतनी दूर से। और यहाँ जो है ना, यहाँ हमारा शमशान घाट है, यहाँ पर शमशान घाट है, उस साइड को है, उस साइड को। चलो बहन जी, चलो चलो। और वहाँ नीचे तक है हमारा गांव, वहाँ नीचे तक लास्ट घर वहाँ रहा, उसके बाद खेत है जहाँ भेड़े चराने जाते हैं हम। और ये कितना सारा गिर गया था पिछली बरसात में ये। चलो, ये माता जी वालों का गोठ आओ। और इतनी गर्मी है ना, कल रात को हम अपने पुराने वाले घर में सोई थी ना, वहाँ भी इतनी गर्मी लग रही है। हाँ। सोचो तो कितनी गर्मी है यहाँ पर। गिर के गिर गए आओ भी। और हमारी भेड़ है ना अभी रेस्ट कर रही है अंदर, गोठ के अंदर। तो ये भी लगाओ आवाज़ लगाओ ना। नहीं है तो चलते हैं, तो अब ना सूट लेने आए हैं लोग। YouTube फैमिली, हम लग पड़े मेले के लिए तैयार होने, और मैं भी नहा के आई और दीदी तो भी रेडी हो रही है। आज तो वो दो बार नहा लिए, और बताती हूँ मैं आपको क्या कर रहे हैं वो दोनों। बाय कर दो, बाय रशु, बाय नीचे चल ले। चल कुर्ता पजामा मंगे, चल बने ये गुजनी पाली। बाय रशु, पाली कर दे। बस आप तैयार हो लो। तो YouTube फैमिली, हम ना मेले में जाने के लिए तैयार हो गए, और आज हमारे गांव में ना मेला लगा है, और जिसमें ना कुश्ती भी लड़ी जाती है, और हम दिखाएंगे आपको, जिसे हम छिंज बोलते हैं। हाँ, ये मेला तो हमारे गांव में पहली तारीख को होना था, लेकिन हमारे गांव में ना कोई एक्सपायर हो गया था, दो जने, इसी वजह से आज है वो मेला। वैसे होता नहीं है पता नहीं, लेकिन इस बार क्यों हो रहा है हमारा, करना जरूरी होता है। हाँ, और क्योंकि बोल रही थी कि बारिश भी नहीं हुई, खेतों में कोई फसल भी नहीं है इस उगी हुई ना, इसलिए तुमने सोचा कि करवा देते हैं मेला, क्योंकि कुश्ती लड़ी जाती है उसमें, तो फिर खाली खेत भी चाहिए उसके लिए, तो इसी वजह से हो रहा है। और यहाँ ना किसी ने भी फसल नहीं बोई है खेतों में, सभी बारिश का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन हमारे ससुराल में तो फसल बो भी दी है लोगों ने, तो बस इसलिए। और हमारी छोटी सिस्टर, मम्मी, हाँ,
जा रहे हैं वैसे हमारे मम्मी भी जाते हैं पहली बार भी नहीं बोल सकते लेकिन कभी हमने देखा ही नहीं कि मम्मी हमारे मेले में गए उन्हें अच्छा नहीं लगता है मेले में जाना बहुत बोल रही थी मैं भेड़े चराने जाऊंगी आप चले जाओ लेकिन हम जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं मम्मी को और शायद हमारी टूरिस्ट फ्रेंड भी जाएगी पक्का नहीं है एक को फीवर है ना जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे हाँ। और गर्मी ना बहुत गर्मी है ये हमारी सिस्टर आए हंस के दिखा दो ये नहीं आता ना जाने बोलते नहीं लगाना नहीं आता है आते हैं हंसना गाइस तो फिर मिलते हैं आपसे चला गाइस तो हम चल पड़े मेले को जो बरखड़ी ना बरखड़ी ओ थी घर आ रहे ठीक है मासी बाय गांव के सभी लोग ना मेले में जाएंगे कितने सारे जा रहे हैं मेले में गाइस हम मेले में पहुंच गए देखिए वहां हो रहा दंगल और वहां पे झूला लगा हुआ है बच्चों के लिए बड़े भी जा सकते हैं गाइस वो आ रही है रेडी
मुझे तो टायर ही नहीं है। अच्छे से दिख रही है हमें चीजें, मतलब कि कुश्ती। हाँ पिछली क्लिप में आपने देखी तो सही। मम्मी मम्मी बाय। गाइस तो ना ज्योति ब्लॉगर भी आ गई मेला देखने। जाएंगे घर 7:30 तो होने वाले, 7:15 से। हाँ तो थोड़ी देर में अब हम चल भी पड़ रहे हैं घर। तो YouTube फैमिली रात के 8:30 हो गए ना, और बस अभी पहुँचे हम अपने रूम में, पहुँच गए रूम के, पहुँच गए हम घर। और चलते हैं अब ऊपर। और बहन जी हमने ना मेले से ना जलेबी और पकौड़े लेकर आए, उसी दुकान से लेकर आए जहाँ से हम हमेशा हमेशा पकोड़े लेकर जाते हैं ना, उसी दुकान से जलेबी भी ली और पकोड़े। पर मेले में ना वो वाला स्वाद नहीं रहता जैसा पकोड़ों का होता है, क्योंकि इतनी सारी जलेबियाँ पकोड़े बनते हैं ना, तो फिर जल्दबाजी में वैसा स्वाद नहीं आता। हाँ जी वो तो है, लेकिन टेस्टी होते हैं फिर भी। ये रही जलेबी और पकौड़े, और उनकी जलेबियाँ तो बहुत टेस्टी होती हैं। हाँ और मेले में ज़्यादातर हमने ना पानी पिया बस, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी इतनी थी। तो और हम सोच रहे हैं ना कि जल्दी से ब्लॉग एंड कर देते हैं फिर ऊपर चलते हैं खाना खाना है। वैसे भूख है नहीं आपने खाना? हाँ जी खाना नहीं नहीं थोड़ा सा खा लूँगी। हाँ रात को भूख लग लगती है फिर। हाँ आधी रात को भूख लगती है फिर हमें, तो ना एंड भी कर देते हैं इस ब्लॉग का, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में ना। अगर आपको बहन जी मुझे, और गाइस आप कमेंट करके बताना ना आपको हमारा मेले वाला ब्लॉग कैसा लगा, और जितना हो सका हमने दिखाया आपको। वैसे ना हम थक गए थे और एक जगह बैठ गए थे, तो ज़्यादा तो नहीं दिखा पाए आपको। हाँ और ना सारा गांव जाता है इस मेले में, दूर दूर से भी लोग आते हैं और कुश्ती देखने के लिए ज़्यादातर। तो एंड भी कर दो लोग, तो यूट्यूब फैमिली आपको कमेंट करके बताना आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय गुड नाइट।